हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का गुरुत्वाकर्षण। बहुत लेट वीडियो आ रहा है क्लास 11 का। एक्चुअली मैं बहुत बिजी हूँ 12th क्लास के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज हमारा क्लास 11 का फिजिक्स गुरुत्वाकर्षण जो हमने पढ़ा था, और गुरुत्वाकर्षण में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, वो है इस्माइल जी के मान में परिवर्तन, मतलब गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। मेरा पिछला वीडियो सेकंड नंबर का पार्ट आपने देखा होगा, तो वहाँ पर हम जी के मान में परिवर्तन का स्टडी कर रहे हैं, और मैंने दो परिवर्तन आपको समझाया था, एक ऊंचाई के साथ, दूसरा गहराई के साथ। और मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी कि चार प्रकार से इस्माइल जी के मान में परिवर्तन होता है। एक साथ में उसको नहीं पढ़ाया, थोड़ा उलझ जाता है, इसलिए उसके छोटे छोटे वीडियो बना के मैं छोटे छोटे पार्ट में आपको उसको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आज हम दो और चेंजेस को पढ़ेंगे उसका, कि किस तरह से इस्माइल जी के मान में परिवर्तन होता है, जिसमें से पहला है पृथ्वी की आकृति के कारण और दूसरा है पृथ्वी की घूर्णी गति के कारण। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन गति कर रही है, जिसके कारण भी इस्माइल जी के मान में परिवर्तन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। तो आज के क्लास में मैं जी के मान में परिवर्तन के ये दोनों पार्ट को आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जी के मान में परिवर्तन। इस्माइल जी के मान में परिवर्तन, देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जो आपने हमेशा से सुना होगा कि स्थान परिवर्तन पर बदल जाता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बदल जाता है। द वैल्यू ऑफ द वेरिएशन ऑफ द इस्माइल जी, जिसमें से आज थर्ड नंबर के पार्ट में हम पढ़ेंगे, थर्ड पृथ्वी की आकृति के कारण। पृथ्वी की आकृति के कारण जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी की आकृति का मतलब क्या है, हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है। जनरली हम पृथ्वी की आकृति पर डिस्कस करते हैं तो स्टूडेंट्स उसके बहुत तरीके से नाम देते हैं कि ये सेब की तरह है, अनानास की तरह है, अंडे की तरह है, उसकी तरह। ऐसा कुछ नहीं है। छोटे बच्चों के लिए समझाने के लिए वो सही है। आप अब हायर क्लास में हैं और आपको उसका टेक्निकल नाम पता होना चाहिए, साइंटिफिक नाम पता होना चाहिए कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आकृति का एक अलग से नाम दिया है, और वो है पृथ्वी की आकृति को हम बोलते हैं लब्धोक्ष गोलार्ध। पृथ्वी की आकृति का नाम है लब्धोक्ष गोलार्ध। ये उसकी आकृति का नाम है। अभी मैं बताता हूँ आकृति कैसी होती है। इंग्लिश में बोला जाता है उसको ऑब्लेट स्फेराइड। ये पृथ्वी की आकृति का नाम है लब्धोक्ष गोलार्ध। आज के बाद आप लोग बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि इतनी बड़ी हमारी पृथ्वी के कंपैरिजन इतने छोटे छोटे चीज़ों से अपन करते हैं कि उसके जैसे उसकी जैसे। पृथ्वी की आकृति का अपना एक खुद का स्पेशल नाम है, यह है लब्धोक्ष गोलार्ध ऑब्लेट स्फेराइड। मतलब पृथ्वी अपने ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, दबी हुई है, एग्जैक्ट स्फेरिकल ना होके वो क्या होती है, ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। देखिए इस तरह से हम बना सकते हैं। ये तो हो गया कंप्लीट सर्कल, लेकिन अब यहां पर देखो इस सर्कल में इसका ये वाला जो पोर्शन है इस तरह से, और यहां का पोर्शन इस तरह से क्या है, वो चपटी है। इसको नहीं हटा सकते, ये फंक्शन नहीं है, वही मैं सोच रहा था। चलिए इसको हटाओ, मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूं उसको।
एक मिनट ना, इसके फंक्शन को मैं देख रहा हूँ, इरेज करने के लिए उस तरीके से नहीं हो सकेगा ये। इसके भी अपने तरीके हैं भाई इस बोर्ड के। चलो ठीक, ये पृथ्वी की आकृति को हम लगभग इस तरह से बना सकते हैं। ये लब्धवक्ष गोलार्ध आकृति है। एक्चुअल में ध्रुवों पर क्या है, वो अंदर की ओर दबी है। उसको हायर क्लास में आप जाएंगे, ट्वेल्थ क्लास में जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा कि पृथ्वी के अपोजिट पोल्स, एक तरफ चुंबकीय उत्तरी है और एक तरफ चुंबकीय दक्षिण ध्रुव है, और अपोजिट पोल होने के कारण वो पृथ्वी को अपनी ओर खींची हुई होती है, जिसके कारण से इसके ध्रुव क्या हो जाए, थोड़ा अंदर की ओर दबे हुए हैं, ध्रुवों पर चपटी है कहना चाहिए वो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि इसके दो ध्रुव होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हम देखें तो चुंबक के दो अक्ष होते हैं, कहना चाहिए ये और ये। ये इसका पोल लाइन है, ध्रुव है, और ये इसको हम इक्वेटर लाइन कहते हैं, मतलब भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को इंग्लिश में हम इक्वेटर बोलते हैं। तो ये इसका विषुवत रेखा है और ये क्या है, इसका ध्रुवीय अक्ष है। अब यहाँ पर आप चित्र से साफ साफ देख पा रहे हो कि ये इसके पृथ्वी की केंद्र है। तो ये वाली जो दूरी है इसको हम कहेंगे आर ई, मतलब उसके विषुवत रेखी त्रिज्या। तो दो त्रिज्या हो गए पृथ्वी की, एक ये त्रिज्या और इसको हम बोलेंगे पोल रेडियस आर पी, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखो कि इसकी दो त्रिज्याएं हैं, एक त्रिज्या आर ई और आर पी, और यहाँ पर आपको क्लियर फिगर से दिख रहा है कि आर ई बड़ा है किससे, आर पी से। आर ई बड़ा है आर पी से क्योंकि ये लाइन बड़ी है, ये लाइन छोटी है। अब यहाँ पर हमने पिछले क्लास में पढ़ा है स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन। तो जी इक्वल टू क्या होता है, जी एम अपान आर स्क्वायर, और यहाँ से हमने पढ़ा है कि देयर फॉर जी प्रोपोर्शनल टू वन अपान आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जी एम क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसको लिख सकते हैं जी प्रोपोर्शनल टू वन अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो इसको कंपैरिजन करने के लिए हम यदि दो रूप में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं जी ई अपान जी पी इक्वल, प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दें, ये व्युत्क्रमानुपातिक संबंध है, तो यहाँ पर हो जाएगा आर पी का स्क्वायर और अपान आर ई का स्क्वायर, क्योंकि जब व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है तो इसका पेयर नीचे होगा ये ऊपर होगा, तो ये संबंध हमको मिल जाएगा। अब यहाँ से देखो कि चूंकि हमने यहाँ पर देखा है कि आर ई बड़ा है आर पी से, यहाँ पर आर ई आर पी से बड़ा है, राइट साइड में आप देखो, तो चूंकि आर ई बड़ा है आर पी से, हम जानते हैं पृथ्वी की आकृति से हम जानते हैं, तो भिन्न का गुण है कि राइट साइड का यदि हर बड़ा है, राइट साइड में यहाँ पर हमने लिखा है ये हर ये बड़ा है, तो नेचुरली लेफ्ट हैंड साइड में भी हर क्या होगा, बड़ा होगा। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं जी पी बड़ा है किससे, जी से, मतलब क्या होगा, अतः जी का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि जी का जो मान है वो पृथ्वी की आकृति के कारण बदल जाता है, पृथ्वी की आकृति के कारण, क्योंकि पृथ्वी की आकृति लब्धवक्ष गोलार्ध है, वह ध्रुवों पर अंदर की ओर तो दबी हुई है, जिसके कारण क्या होता है, इसके ध्रुवों पर इसका मान सर्वाधिक होता है। इस बात से हम कह सकते हैं कि जी के मान में परिवर्तन होता है, मतलब जैसे जैसे हम क्या होता है इधर ऊपर की ओर जाते हैं विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है जी का मान बढ़ते जाता है, और ध्रुवों के ऊपर इसका मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ध्यान रखना। तो यह है पृथ्वी की आकृति के कारण। इसके बाद इसका जो चौथा है वो सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा वो कठिन है भी कह सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उससे बहुत क्वेश्चन कवर होता है, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे, इसीलिए मैंने आज के क्लास में स्पेशली सिर्फ जी के मान में परिवर्तन पर डिस्कशन करने का प्लानिंग किया है। देखो नेक्स्ट है हमारा, हेलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी लेके आए आपके लिए एक स्पेशल फीचर आज के डाउट क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए आप किसी भी समय कितने भी डाउट आप पूछ सकते हैं, अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं हमारे इस फीचर पर, और आपके होमवर्क के लिए भी आपको असिस्टेंस मिलेगा इससे। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस ऐप को आप यूज़ कैसे करेंगे।
सबसे पहले आपको ऐप में जाना है और आस्क ए डाउट क्लिक करना है। सेकंड स्टेप में आपने जो पिक्चर लिया हुआ है क्वेश्चन का, या फिर वहाँ पर गैलरी ले सकते हैं या पिक्चर ले सकते हैं, वो आपको लेना है। नेक्स्ट स्टेप, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने जो पिक्चर लिया है उसमें केवल उसी क्वेश्चन को क्रॉप करना है जो जिसका आपको आंसर चाहिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन क्रॉप करना है दैट मीन्स, और आपको चूज किए हुए क्वेश्चन को डालना है, फिर आपको तुरंत उसका आंसर मिलेगा। देखिए इसमें जो आपको सावधानी रखनी है वो ये है कि आप एक टाइम में केवल एक ही डाउट पूछेंगे, एक से अधिक डाउट सेंड नहीं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो इसमें पिक्चर भेजेंगे क्वेश्चन का, वो क्लियर होना चाहिए, पिक्चर की क्लियरिटी अच्छी होनी चाहिए, हैंड रिटन नहीं होना चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि आप यदि MCQ क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं तो उसके सभी ऑप्शन आपके क्वेश्चन के नीचे में होने चाहिए। आइए अब आपको मैं बता दूं कि आप यदि अनअकैडमी में ये यूज़ करना चाहते हैं फ्री डाउट क्लियरेंस, तो आप मेरा कोड यूज़ करिए जितेंद्र सर लाइव। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप यदि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको मेरे इस कोड को यूज़ करने पर। जितेंद्र सर लाइव कोड आप यूज़ करिए और 10% का आप डिस्काउंट पाइए। ओके, थैंक यू। पृथ्वी के घूर्णी गति के कारण फोर्थ नंबर का चेंज, पृथ्वी की घूर्णी गति के कारण ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ। हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है और साथ ही अपने अक्ष पर घूमती भी है, घूर्णी गति भी करती है, रोटेशन मोशन करती है। इस तरह से पृथ्वी के घूर्णी गति के कारण उसमें किस तरह से चेंजेस आता है इसको हम समझेंगे। इसको समझने से पहले हम एक इस पर फिगर बना लेते हैं, एक चित्र बना लेते हैं अच्छे से, और उस चित्र के हेल्प से अपन उसको समझेंगे। सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर, यह सपोज हमारी पृथ्वी है। अब यहाँ पर देखो कुछ मैं इसमें फिगर में आपको ड्रा कर रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। अब यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट उसको स्फेरिकल बना दिया है ना, स्फेरिकल बना दिया है एग्जैक्ट में। यहाँ पर ध्यान रखना, आप अभी नहीं समझ रहे सर, आप तो अभी थोड़ी देर पहले पृथ्वी कैसा बनाए थे वैसा बना दिए, अभी हम उसको थ्योरेटिकली समझ रहे हैं, हमने फिगर को स्फेरिकल बना दिया है, ये है। और यहाँ पर अपने तरफ से मैं पूरा आपको कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करा सकूँ, क्यों फिगर से, क्योंकि ये टॉपिक है बहुत कठिन। मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स इस फोर्थ नंबर के पॉइंट को इसीलिए ढंग से नहीं करते और इसी पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव में, खासकर स्कूल एग्जाम में आए या ना आए वो बात की बात है। अब यहाँ पर आप सिचुएशन को थोड़ा ध्यान से समझना, ये है पृथ्वी की पृथ्वी का केंद्र। यहाँ इमेजिन करो कि हमने ये कोई वस्तु लिया है, इस वस्तु पर हम बात कर रहे हैं, ये इसका भूमध्य रेखा वाला पोजीशन है, ये इसका ध्रुव वाला पोजीशन है। अब यह वस्तु पृथ्वी के भूमध्य रेखा से मान लो लेमडा कोण बना के यहाँ पर अभी स्थित है। अब ये बात आप जानते हैं कि कोई भी पिंड जब घूर्णी गति करता है तो घूर्णी गति करने वाले पिंड का हर कण अपने अक्ष के परितः वृत्ति गति करता है। जैसे हमारे पास एक फुटबॉल है, अब फुटबॉल को हम यदि गोल घुमाएं तो पूरा फुटबॉल घूर्णी गति कर रहा है, लेकिन फुटबॉल में मान लो मैं कहीं पर एक पॉइंट लगा देता हूँ तो वो पॉइंट घूर्णी गति नहीं कर रहा है, वो पॉइंट तो उस अक्ष के चारों ओर वृत्ति गति कर रहा है। उसी तरह से हमारी पृथ्वी पूरी घूर्णी गति कर रहा है, लेकिन हम यदि अपने बारे में सोचें कि हम क्या कर रहे हैं तो हम पृथ्वी के साथ घूर्णी गति नहीं बल्कि पृथ्वी के अक्ष के सापेक्ष वृत्ति गति कर रहे हैं। तो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, तो यहाँ पर ये वृत्ति गति कर रहा है, और वृत्ति गति जब ये करेगा तो ये क्या होगा, इसका ये दिक्कत है इसमें। चलो मैं शुरू से दूसरा फिगर बनाता हूँ, आप ढंग से समझ भी पाओगे उसको।
ये हमने कोई वस्तु लिया यहाँ पर, ये कोई बॉडी है सपोज, ये पिंड के बारे में हम सोच रहे हैं, ये वाला एंगल है सपोज लेमडा, देखो यहां पर एम द्रव्यमान का एक पिंड है। अब इस एम द्रव्यमान के पिंड का पृथ्वी के केंद्र की ओर भार होगा mg, क्योंकि भार हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है, क्लियर। लेकिन चूंकि यह पिंड वृत्ति गति कर रहा है तो इस डायरेक्शन में यहां पर लिख रहा हूं इसका अभिकेंद्र बल होगा एम वी स्क्वायर अपन आर। नेचुरली एम वी स्क्वायर अपन आर क्या होगा, इस केंद्र के परिधि होगा। ओके, हमने इसकी त्रिज्या को मान लो a मान लिया है या r मान लिया है, ये r इसकी त्रिज्या है, इसलिए हम यहाँ पर इसकी त्रिज्या को r माना है, यहाँ इसकी त्रिज्या को r माना है, इसको आप हटाओ इसको, ठीक है, पूरा सेलेक्ट क्यों होता है ये, इसके साथ सर्कल के अंदर है इसलिए। सर्कल के अंदर है इसलिए पूरा सेलेक्ट होता है वो। चलो ठीक है, अब इरेज नहीं करेंगे किसी को। देखिए तो यहां पर एम भी स्क्वायर अपन आर हो जाएगा, इसका रेडियस आर है सपोज। अब देखो ये चूंकि लेमडा है तो ये भी लेमडा होगा, यह भी लेमडा होगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब एम भी स्क्वायर अपन आर जो आप यहां पर फिगर में देख रहे हो, इसके दो घटक हो जाएंगे, एक घटक हो जाएगा इस दिशा में ऊर्ध्वाधर दिशा में और एक क्षैतिज दिशा में, क्योंकि एम वी स्क्वायर अपन आर देखो ये अंदर की ओर है और इसके आप दो घटक यदि निकालो, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर, तो ये इसका पास वाला है, ये इसका पास वाला भुजा है, तो आपको मालूम यहाँ एरो लगा के लिख रहा हूँ मैं, ये जो घटक होगा जो द्रव्यमान की ओर लगेगा, ये इधर मैंने एरो लगा दिया, वो हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपन आर इंटू कास लेमडा। क्यों हुआ आप समझ गए, क्योंकि थीटा का पास वाला क्या होता है, कास होता है, ये हो जाएगा। अब एम वी स्क्वायर अपन आर इंटू कास लेमडा जो कि क्या है, इसके भार की ओर का घटक है, मतलब इसी दिशा में भार भी लग रहा है और इसी दिशा में एम वी स्क्वायर अपन आर इंटू कास लेमडा लगा हुआ है, दैट इक्वल, इसको यदि हम साल्व कर दें तो एम अपन आर और वी को लिख सकते हैं आर इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू कास लेमडा। ओके, दैट इक्वल यहां से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कास लेमडा, ये हो जाएगा टूअर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सेंटर। इतना जो बल है, इतना जो अभिकेंद्र बल है, इतना अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर कार्य कर रहा है। लिफ्ट के सिद्धांत से हम जानते हैं कि यदि हमारे भार की ओर कोई और बल का घटक कार्य करे तो हमारा भार क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसलिए आभासी भार, इसलिए हमारा जो आभासी भार होगा उस पॉइंट पर जिसको मैं डब्ल्यू डैश कह रहा हूं, वो हो जाएगा एम जी जो वास्तविक भार है जो इसके केंद्र की ओर लगा हुआ है, और उसे माइनस हो जाएगा ये माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कास लेमडा। ये क्यों माइनस हुआ आप समझ गए, क्योंकि भार की दिशा में जब कोई बल का और घटक कार्य करता है तो भार में कमी आती है। जैसे लिफ्ट में हम नीचे की ओर जाते हैं तो हमारे भार में कमी आती है, अब लिफ्ट का याद होगा आपको। इस तरह से दैट इम्प्लाइज
इसको हम लिख सकते हैं, या यहीं से मैं लिख देता हूं इसको, एम जी डेस इक्वल एम जी डेस, मतलब इस पॉइंट पर हमने इस पॉइंट पर गुरुत्वीय त्वरण को जी माना हुआ है और इस पॉइंट पर गुरुत्वीय त्वरण को हमने जी डेस माना है। तो एम जी डेस इक्वल टू एम जी माइनस इतना होगा, दोनों साइड से m कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो g डैश इक्वल टू हो जाएगा g माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस लैम्डा, दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से ये जो r है, जहाँ पर r इसकी त्रिज्या है, इस त्रिज्या को हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कितने बड़े सर्कल पर गति कर रहे हम नहीं बता सकते, लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैं आप शुरुआत में ये बता रहा था कि कैपिटल r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, और स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इस पार्टिकल के जो वृत्ति गति कर रहा है उसकी त्रिज्या है। तो यहाँ से आप देखो, ये आर है तो ये भी आर होगा, कैपिटल आर होगा, तो यहाँ पर आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है ओ, सपोज इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया ए और इसका मैंने नाम दिया बी, तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में यदि हम R का वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पर आप देखो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, तो यहाँ से हम निकालते हैं cos लैम्डा का वैल्यू, तो cos लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos लैम्डा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो आधार स्मॉल r है और ये इसकी त्रिज्या है, ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है, कैपिटल R है, तो ये हो जाएगा आधार माने स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, देयरफॉर स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा आर कास लेमडा। अब इस मान को हम यहाँ पर रिलेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो इसलिए x से क्या मिल जाएगा अपने को, g डैश इक्वल टू g माइनस m इंटू, ये जो स्मॉल r का वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं आर कास लेमडा, आर कास लेमडा और इंटू कास लेमडा, ये लिख सकते हैं। देयर फॉर जी डैश इक्वल टू जी माइनस, अब यहाँ पर आप ध्यान देना, ये हो जाएगा एम आर कास स्क्वायर लेमडा, जी डैश इक्वल टू जी माइनस एम आर कास स्क्वायर लेमडा। इस फार्मूला से आप देखो एम आर ओमेगा स्क्वायर भी, ये ओमेगा स्क्वायर लिखना भूल गया हूँ ना, वही बोल रहा था फार्मूला में ओमेगा स्क्वायर भी आता ही है, तो जी डेस इक्वल टू जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर लेमडा। इस फार्मूला से क्लियर है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो इतने जी के मान में इतनी कमी आ रही है, इतनी जी के मान में क्या है, कमी है। अब वो कमी कंप्लीटली किस बात पर डिपेंड कर रहा है, एम पर तो डिपेंड करेगा नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट है, कैपिटल आर पर डिपेंड नहीं करेगा वो भी कांस्टेंट है, ओमेगा पर भी डिपेंड नहीं करेगा वो भी कांस्टेंट है, तो पूरा का पूरा ये डिपेंड कर रहा है किस पर, लेमडा पर डिपेंड कर रहा है। और लेमडा क्या है अपने फिगर में देखो, ये लेमडा है, कहने का मतलब पिंड जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा वैसे वैसे लेमडा का मान क्या हो जाएगा, परिवर्तित होते जाएगा। इस प्रकार से जब लेमडा परिवर्तित होगा तो पूरा कास लेमडा परिवर्तित होगा, और कास लेमडा परिवर्तित होगा तो पूरा का पूरा जी डैश परिवर्तित होगा। इस बात से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी में स्थान परिवर्तन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कि पृथ्वी में स्थान परिवर्तन करने पर भी जी का मान बदलता है। जैसे मान लो इस शहर में मैं हूँ और मैं यदि यहाँ से 200, 400, 500 किलोमीटर दूसरे शहर में चले जाऊँ तो वहाँ जी का मान बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि मेरा यहाँ से पोजीशन बदलेगा। जैसे अभी हमारा पार्टिकल यहाँ पर है तो जी इतना है, तो जैसे जैसे वो अपने पोजीशन को चेंज करेगा तो अपने पोजीशन को चेंज करने पर क्या होता है, लेमडा के मान में परिवर्तन आता है, ये आता है। इस तरह से आप यहाँ एक बात और समझ सकते हो इससे, देखो इसे मैं आप कंडीशन आपको बता रहा हूँ, यहीं पर आपको मूव करो कि सपोज हम ध्रुवों पर चले गए, ठीक है, या सबसे पहले हम देखें भूमध्य रेखा पर चले गए। अभी मैं आपको भूमध्य रेखा और ध्रुव का इसके पहले बताया हूँ, यदि हम भूमध्य रेखा पर चले गए तो जी डेस को मैं भूमध्य रेखा पर लेमडा का मान कितना हो जाएगा, चित्र में आप देखो तो भूमध्य रेखा पर अभी मैं बता दूंगा आपको, लेमडा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि पॉइंट कहाँ पर, भूमध्य रेखा में आएगा, तो लेमडा को 0 रख दें तो उस कंडीशन में मैं इसको जी कह रहा हूँ, जी डेस को, तो जी माइनस ये हो जाएगा जी माइनस एम आर
ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर जीरो, तो जी ई इक्वल टू जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यदि हम चले जाएं कहां पर, ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर लेमडा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, ध्रुवों पर चले जाएंगे तो जी पी इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर और कास स्क्वायर 90 डिग्री, तो जी पी इक्वल टू कास 90 जीरो होता है, क्या हो जाएगा जी के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों रिलेशन को आप कंपेयर करो तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जी पी का वैल्यू तो जी के बराबर है लेकिन जी ई का वैल्यू जी में इतना माइनस हो रहा है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहीं पर लिख देता हूँ मैं, देखो देयरफॉर जी ई में इतना घट रहा है तो जी ई इज लेस देन जी पी, या क्या कर सकते हैं कि जी पी इज ग्रेटर देन जी ई, जो हमने अभी पढ़ा है इससे पहले कि ध्रुवों पर जो जी का मान होता है वह भूमध्य रेखा के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, जो इसके पहले पढ़ा है वो भी ये बात प्रूफ कर रहा है। तो यहाँ पर यह फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूला के हेल्प से हम जी के मान में परिवर्तन ज्ञात करते हैं, जी डैश इक्वल टू जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर लेमडा, और यही वो फार्मूला है जो हमको बताता है कि पृथ्वी में यदि हम स्थान का परिवर्तन कर दें तो जी का मान बदल जाता है। ठीक है, इसको मैं आपको एक साथ दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए ये देखो फिगर में ध्यान देना, अभी मैंने वहाँ पर लिखा है कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर इसका वैल्यू कितना होता है जीरो डिग्री, कैसे होगा, ये पार्टिकल यदि भूमध्य रेखा पर आ जाए तो लेमडा का वैल्यू जीरो हो जाएगा, और ये पार्टिकल यदि यहाँ पर चला जाए ध्रुवों पर तो लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर है ये जी पी और यहाँ पर है जी ई, और हमने यहाँ पर यह बात प्रूफ कर दिया कि जी ई जी पी से छोटा होता है या जी पी जी ई से बड़ा होता है। तो ये है घूर्णी गति के कारण जी के मान में परिवर्तन। तो ये चार परिवर्तन हमने पढ़ा, इसके पहले वाले वीडियो में आपने दो परिवर्तन पढ़ा, ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन, फिर गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन, फिर पृथ्वी की आकृति के कारण जी के मान में परिवर्तन आज पढ़ा, और हमने पढ़ा कि पृथ्वी के घूर्णी गति के कारण जी के मान में कैसे परिवर्तन होता है। इस पर न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको बताऊंगा उसमें। तो ये चार परिवर्तन आप अच्छे से तैयार करिए, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद एक पार्ट और आपको देना है ग्रेविटेशन पर, वो है गुरुत्वीय विभव। तो गुरुत्वीय विभव को मैं इसके साथ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, और उस वीडियो को देखने से पहले, वो वीडियो आने से पहले आपको पहले बता दूं कि आप समाकलन का एक बार प्रैक्टिस कर लेना। मैंने आपको मूलभूत गणितीय अवधारणा में इंटीग्रेशन पढ़ाया है, तो इंटीग्रेशन का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि वो आपको अगले टॉपिक में काम आने वाला है। तो अच्छे से इसका रिवीजन करो। ओके, थैंक यू।